शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 30। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 30। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलक पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलक पर चढ़ाई की और सिकलक को मार के फूंक दिया और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंधुआई में ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंधुआई में चली गई थी। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। और दाऊद की दो स्त्रियां इज़रेली अहिनोअम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल बंधुआई में गई थी। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पत्थरवाह करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। तब दाऊद ने अहीमलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, एपोत को मेरे पास ला। तब एब्यातार एपोत को दाऊद के पास ले आया और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। तब दाऊद अपने 600 साथी जनों को लेकर बसोर नाम नाले तक पहुंचा। वहां कुछ लोग छोड़े जाकर रह गए थे। दाऊद तो 400 पुरुषों समेत पीछा किए चला गया, परंतु जो 200 जो ऐसे थके हुए थे कि बसोर नाले के पार न जा सके वहीं रहे। उनको एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला। उन्होंने उसे दाऊद के पास ले जाकर रोटी दी और उसने उसे खाया, तब उसे पानी पिलाया। फिर उन्होंने उसको अंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और दो गुच्छे किशमिश दिए और जब उसने खाया तब उसके जी में जी आया। उसने 3 दिन और 3 रात से न तो रोटी खाई थी और न पानी पिया था। तब दाऊद ने उसे पूछा, तू किसका जन है और कहां का है? उसने कहा, मैं तो मिस्री जवान और एक अमालेकी मनुष्य का दास हूं और 3 दिन हुए कि मैं बीमार पड़ा और मेरा स्वामी मुझे छोड़ गया। हम लोगों ने करेतियों की दक्षिण दिशा में और यहूदा के देश में और कालेब की दक्षिण दिशा में चढ़ाई की और सिकलक को आग लगाकर फूंक दिया था। दाऊद ने उसे पूछा, क्या तू मुझे उस दल के पास पहुंचा देगा? उसने कहा, मुझसे परमेश्वर की यह शपथ खा कि मैं तुझे न तो प्राण से मारूंगा और न तेरे स्वामी के हाथ कर दूंगा, तब मैं तुझे उस दल के पास पहुंचा दूंगा। जब उसने उसे पहुंचाया तब देखने में आया कि सब भूमि पर छिटके हुए खाते पीते और उस बड़ी लूट के कारण जो वे पलिश्तियों के देश और यहूदा से लाए थे नाच रहे थे। इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा, यहां तक कि 400 जवान को छोड़ जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए उनमें से एक भी मनुष्य न बचा और जो कुछ अमालेकी ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया। वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े क्या बेटे क्या बेटियां क्या लूट का माल सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे उसमें से कोई वस्तु न रही जो उनको न मिली हो, क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा लाया और दाऊद ने सब भेड़ बकरियां और गाय बैल भी लूट लिए और इन्हें लोग यह कहते हुए अपने जानवरों के आगे आगे हाँकते गए कि यह दाऊद की लूट है। तब दाऊद उन 200 पुरुषों के पास आया जो ऐसे थक गए थे कि दाऊद के पीछे पीछे न जा सके थे और बसोर नाले के पास छोड़ दिए गए थे और वे दाऊद से और उसके संग के लोगों से मिलने को चले और
दाऊद ने उनके पास पहुंचकर उनका कुशल क्षेम पूछा। तब उन लोगों में से जो दाऊद के संग गए थे सब दुष्ट और ओछे लोगों ने कहा, ये लोग हमारे साथ नहीं चले थे, इस कारण हम उन्हें अपने छुड़ाए हुए लूट के माल में से कुछ न देंगे, केवल एक एक मनुष्य को उसकी स्त्री और बाल बच्चे देंगे कि वे उन्हें लेकर चले जाए। परंतु दाऊद ने कहा, हे मेरे भाइयों, तुम उस माल के साथ ऐसा न करने पाओगे जिससे यहोवा ने हमें दिया है, और उसने हमारी रक्षा की, और उस दल को जिसने हमारे ऊपर चढ़ाई की थी हमारे हाथ में कर दिया है, और इस विषय में तुम्हारी कौन सुनेगा। लड़ाई में जाने वाले का जैसा भाग हो, सामान के पास बैठे हुए का भी वैसा ही होगा, दोनों एक ही समान भाग पाएंगे। और दाऊद ने इसराइलियों के लिए ऐसी ही विधि और नियम ठहराया, और वह उस दिन से लेकर आगे को वरन आज बना है। सिकलग में पहुंचकर दाऊद ने यहूदी पुरनियों के पास, जो उसके मित्र थे, लूट के माल में से कुछ कुछ भेजा और यह कहलाया कि यहोवा के शत्रुओं से ली हुई लूट में से तुम्हारे लिए यह भेंट है, अर्थात बेथेल के दक्षिण देश में रामोत यत्तीर, अरोएर, सिपमोत, एश्तोमो, राकाल, यरहमेलियो के नगरों, केनियो के नगरों, होर्मा, कोराशान, अकात, हेब्रोन आदि जितने स्थानों में दाऊद अपने जनों समेत फिरा करता था, उन सब के पुरनियों के पास उसने कुछ कुछ भेजा।